हेलो एवरीवन, ट्रक डॉक्टर के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए, हम आज बताने जा रहे हैं इंट्रावीटेन को किस तरह से रीजनरेशन करना चाहिए और रीसेट करने के बाद ही ये गाड़ी जो है हमारी रीजनरेशन ले रही है। ठीक है दोस्तों, बने रहिए, वीडियो को देखिए आगे। तो देखिए, चलिए दोस्तों, आज हमने फिर इसमें लगाया है हमारा TDS सॉफ्टवेयर, जिसमें कि DPF चोक के ओवरलोड के कोड आए हुए हैं, जो कि हमें रिप्लेसमेंट में जाके इसका DPF की सारी जितनी भी रीसेट सेटिंग है वो रीसेट करना है। तब जाके जो है सूट लोड की वैल्यू जो है कम होने के बाद रीजनरेशन गाड़ी लेती है, और वो भी सिर्फ सर्विस रीजनरेशन होगा दोस्तों, जो कि लैपटॉप से होता है। आइए आगे, हम वो भी आपको बता रहे हैं इसकी वैल्यूज क्या क्या लैपटॉप में आ रही थी, कितने पैरामीटर में कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, ये देखिए। इसमें जो बताने जा रहे हैं, ये इतनी सारी वैल्यू इसमें DPF चोक की वैल्यू दिखाई गई है दोस्तों। अभी हमने ये रीजनरेशन शुरू कर दिया है और गाड़ी जो है हमारी रीजनरेशन पे हमने लगा दिए V10 जो है BS6 मॉडल, और ये है हमारे आदिल खान जो कि ये प्रोसेस को अंजाम दे रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले, और हमें कमेंट के जरिए बताइए दोस्तों कि वीडियो आपको कैसी लगी और आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। ये जो हमारा प्रोसेस है ये सही है या गलत है दोस्तों, ये लैपटॉप की हमारी स्क्रीन बता रहे हैं आपको। देखिए, बने रहिए वीडियो में और इस वीडियो को स्किप करके ना देखिए, पूरा पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि आप ही के लिए ये वीडियो बनती है और इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, तो आपके एक शेयर से लाइक से कुछ कमी नहीं होने वाली है दोस्तों। इसलिए बार बार आपको बोलता हूँ कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ये मीटर में जो है रीजनरेशन की लाइट ब्लिंक हो रही है, आपको दिखाई दे रही है ये लाइट, इसमें ब्लिंक हो रही है दोस्तों। जब ये रीजनरेशन पे हम लगाते हैं तो लाइट इस तरह से ब्लिंक करती है और पैरामीटर में जो है इस तरह से दिखाई देता है। ये हमारे पड़ोसी है, इनके छोटी गाड़ी का काम है दोस्तों, गुजरात मोटर गैरेज फारूक भाई करके भुसावल में, इनके गैरेज पे हम ये V10 को रीजनरेशन करवा रहे हैं, रिप्लेसमेंट में जाके और सारी सेटिंग को रीसेट करने के बाद DPF की, और इसको हमने रीजनरेशन पे लगा दिया है। ये दिखाई दे रहा है आपको कि धुआँ किस तरह से DPF यानी साइलेंसर से पूरा बाहर हो रहा है, जो गंदगी है ये आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। ये देखिए, ये हमारे है आदिल खान, जिनको आपने पहले देख चुके हैं वीडियो में और बहुत सारी वीडियो में दिखाई दी है आपको। इसमें दोस्तों DPF अगर क्लीन होता है तो DPF चौक की जो लाइट है वो ग्लिंग करती है रीजनरेशन होने पे, ये आपको क्लस्टर मीटर में दिखाई दे रही है, जो कि ये हर गाड़ी में अगर रीजनरेशन पे हम लगाते हैं, जितनी भी BS6 गाड़ी है जिसमें रीजनरेशन होता है, टाटा लेलैंड, भारत बैंक, अशोक लेलैंड या फिर महिंद्रा, छोटी बड़ी सभी गाड़ियों में ये लाइट ग्लिंग करती है इस तरह से जब रीजनरेशन करवाते हैं लैपटॉप से। तो देखिए भी, ये जो वैल्यू है आपको दिखाई दे रही होंगी वीडियो में, ये हमने फिर से पैरामीटर को खोला है और इसकी वैल्यू देखिए कितनी कम हो चुकी है रीजनरेशन करने के बाद। तो दोस्तों,
वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकॉन को भी दबाइए। गुड बाय, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।